आज गोल्डन गेट में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब भगवंत मान सरकार की आप देख सकते हैं अर्थी जला रही है, और इस तरह से कल भी हमने अर्थियां जलाई थी और आज कल भी जलाएंगे, क्योंकि भगवंत मान सरकार ने पंजाब के किसानों की पीठ कर ऊपर छुरा भोंका है, नुकसान किया। कल परसों हमारे पंजाब की 26 मार्केट कमेटियां तोड़ दी हैं और उनका सारा कार्यक्रम 9 सैलो गोदाम 9 कारपोरेट को सौंप दिया है, जिसके विरोध में हम अर्थी जला रहे भगवंत मान सरकार की। इनके प्रवक्ता कल बोल रहे थे भी हमारी सरकार तोड़ने का मोदी सरकार निर्णय कर रही, अपनी सरकार बचाने के लिए पंजाबियों का गला घोट दिया। और मैं आज आह्वान करना चाहूँगा आढ़तियों से, अगर भाई जिंदे रहना है मंडी में इनके खिलाफ बोलिए, मार्केट कमेटी के मुलाजमों को बोलूँगा इनके खिलाफ आइए, आने वाले समय में निर्णय करेंगे भगवंत मान सरकार के खिलाफ क्या फैसला करना है, और ये भी निर्णय करेंगे कि आम आदमी पार्टी को घुसने देना है गाँव में कि नहीं देना है, अगर ये नोटिफिकेशन रद्द ना किया गया। इसी के साथ साथ हम ये भी भगवंत मान सरकार को कहना चाहेंगे कि अगर ये फैसला आप वापस नहीं लेते हो तो हमारा सामना आपको भी करना पड़ेगा। और मोदी सरकार और भगवंत मान सरकार में कोई फर्क हमें नज़र नहीं आ रहा, यही 3 कृषि कानून थे, उसमें लिखा था कि हमारी मंडियों को कारपोरेट का यार्ड बना देंगे, और अब इन्होंने कारपोरेट का यार्ड बना दिया। 2023-24 की गेहूं खरीदने का, बेचने का और उसको स्टोर करने का फैसला कारपोरेट को दिया, जिसका विरोध अब पंजाब में चरम सीमा पर पहुंचेगा। हम जो हरियाणा के बॉर्डरों पर आंदोलन चल रहा वो भी लड़ेंगे मोदी सरकार के खिलाफ, जो आज 47वें दिन में चल गया है, और मोदी सरकार से तो हम मुकाबला कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ पंजाब सरकार से भी करेंगे। धन्यवाद।